हे hey स्टूडेंट्स तो आज हम सीखने वाले हैं वर्ब्स के बारे में अकॉर्डिंग टू मी वर्ब्स सबसे इम्पॉर्टेंट या वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्योंकि वर्ब्स जो है वो सेंटेंस एक सेंटेंस को कंप्लीट बनाता है आज मैं आपको वर्ब्स के बारे में सिखाने वाली हूँ एंड दैट इज़ गोड बी विद द हेल्प ऑफ मिस वर्ब सो मिस वर्ब जो यहाँ पे है वो हमारी दोस्त है और वो हमें सिखाने वाली है वर्ब्स के बारे में सो मिस वर्ब्स स्लीप्स ओके okay? तो वह सोती है तो ये जो वर्ड है स्लीप वो है हमारा वर्ब क्योंकि ये वर्ड जो है वो स्लीपिंग के एक्शन के बारे में बात करता है लेस्ट एक लुक है द सेकेंड सेंटेंस मिस वर्ब ईट्स वो खाना खाती है और ये जो खाना खाने का एक्शन है जो कि ईटिंग का एक्शन है वो भी एक वर्ब है बिकॉज इट डिनोट्स एक्शन लेस्ट एक लुक है द थर्ड सेंटेंस मिस वर्ब स्नोर्स स्नोर्स स्नोरिंग एक बैड हैबिट है लेकिन मिस वर्ब वो करती है तो ये स्नोरिंग का भी जो एक्शन है अगेन इट्स अ वर्ब इट डिनोट्स एक्शन एंड लास्ट चीज मिस वर्ब रोज रन करती है मिस वर्ब रन सो ये जो भागने की एक्शन है ये डिनोट करता है हमारा वर्ब रन सो इन चारों वर्ब्स में एक कॉमन लिंक है और वो लिंक है कि ये चारों एक्शंस जो है और चारों वर्ब्स जो है वो एक्शन डिनोट करते हैं सो ऑल ऑफ देम दे डिनोट एक्शन और जो वर्ब एक्शन डिनोट करते हैं उनको कहा जाता है फिजिकल फिजिकल वर्ब्स सो ये है हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ वर्ब दैट इज फिजिकल वर्ब्स लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ब विच इज मेंटल वर्ब्स सो मेंटल वर्ब्स बेसिकली होते हैं कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू थिंकिंग डिस्कवरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग जिस चीज़ को मैं सोचू जिस चीज़ पर मैं सोचू मैं अंडरस्टैंड करूँ किसी चीज़ को अगर मैं डिस्कवर करूँ कोई चीज़ अगर मैं फाइंड आउट करती हूँ तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगी मेंटल वर्ब्स का आइए देखते हैं पहले एग्जाम्पल सेंटेंस को आई नो दी आंसर तो नोइंग ये हमारा वर्ब है और मैं आपको बताती हूँ ये हमारा मेंटल वर्ब क्यों है लेट से मैं एग्जाम दे रही हूँ मैंने क्वेश्चन पेपर देखा और मुझे मैंने देखे सारे क्वेश्चंस और आई नो मैं जानती हूँ कि मुझे सारे आंसर्स जो है वो बता है आई नो आंसर तो इसलिए यहाँ पे जो नोइंग का जो वर्ब है वो कोई एक्शन नहीं डिनोट करता बट सिंपली मैं कुछ चीज़ अगर जानती हूँ किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करती हूँ उस वो डिनोट करता है एंड दे फॉर दे आर मेंटल वर्ब्स क्योंकि ये मोस्टली नोइंग जानकारी अगर किसी चीज़ के रिलेटेड है किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है इस रिलेटेड चीज़ें वो डिनोट करते हैं एंड देयर फॉर नोइंग एंड इन द सेकेंड सेंटेंस रेकग्नाइजिंग आई रेकग्नाइज द एक्ट्रेस मैंने एक एक्ट्रेस को देखा और मैंने सोचा कि मैंने इसको कहीं देखा है एंड देन फिर मैंने रियलाइज किया कि मैं इस एक्ट्रेस को जानती हूँ देयर फॉर रेकग्नाइज है हमारा मेंटल वर्ब नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ वर्ब है स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब स्टेट ऑफ बींग वर्ब क्या करते हैं बेसिकली वो कोई एक्शन डिनोट नहीं करते वो जैसे कहते हैं कि ये जो सिचुएशन है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है ओके okay, इसे एग्जाम्पल को देखते हैं इसे बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए आई एम अ स्टूडेंट एंड वी आर टूगेदर तो यहाँ पे वर्ब है आई एम सो दिस इज आई एम और आई एम का कॉन्ट्रैक्शन आई एम है सो so, एम हमारा वर्ब है और सेकेंड सेंटेंस में वी आर टूगेदर सो आर हमारा स्टेट ऑफ वर्ब है या स्टेट ऑफ बींग वर्ब है सो स्टेट ऑफ बींग वर्ब क्या करते हैं सिंपली बताते हैं कि आई एम अ स्टूडेंट मैं स्टूडेंट हूँ या हम साथ में हैं तो बेसिकली कोई एक्शन नहीं डिनोट करता ना ही हम इस वर्ब्स में कोई कुछ सोच रहे हैं बेसिकली स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स जो होते हैं वो जिस एक सिचुएशन जब एग्जिस्ट करती है कंडीशन जब भी एग्जिस्ट करती है उसके बारे में वो डिनोट करता है सो so, आइए पढ़ते हैं और ज्यादा वर्ब्स के बारे में तो आइए पढ़ते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में आई नो ऑक्सिलरी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड लगता होगा आपको लेकिन इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ऑगजिलरी uh, ये वर्ड है थोड़ा हाई फंडा वर्ड है लेकिन इसका जो मीनिंग है वो काफ़ी सिंपल है ऑक्सिलरी वर्ब्स आर बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स वर्ब्स जो हेल्प करते हैं एक सेंटेंस में मीनिंग एड करने के लिए सो so, पहला कैटेगरी ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स है टू बी वर्ब्स सो इज़ एम आर वॉज बिन बींग ये सारे जो वर्ब्स हैं वो है हमारे टू बी ऑगजिलरी वर्ब्स इनका यूज़ क्या है इनका यूज़ है कि ये जब भी हम कंटिन्यूस फॉर्म टेंस जो कंटिन्यूस टेंस फॉर्म करते हैं वो बनाने में वो कंस्ट्रक्ट करने में हमें हेल्प दी जाती है ऑग्जिलरी वर्ब्स की तो देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस आई वॉज स्लीपिंग तो आई वॉज इज एन ऑगजिलिरी वर्ब एंड स्लीपिंग इज़ आर मेन वर्ब तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कंटिन्यूस टेंस में सेंटेंस है आई वॉज स्लीपिंग यहाँ पे मैंने यूज किया वर्स का बताने के लिए कि मैं सो रही हूं या थी तो यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया आई वॉज स्लीपिंग टू फॉर्म सेंटेंस इन द कंटिन्यूस टेंस सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं आई एम राइटिंग अ बुक तो मैं बुक लिख रही हूं ये जो सेंटेंस है ये कंटिन्यूस टेंस में है और इसलिए मैंने इस्तेमाल किया एम का ये एम जो है वो आई एम आई एम जो है वो आई एम का कॉन्ट्रैक्शन है ओके तो हम दो तरीके से लिख सकते हैं आई एम एक तरीका है ये और एक इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ये दोनों चीज सेम मीन करते हैं लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन है और ये फुल फॉर्म है अ वे तो एम जो है ये हमारा टू बी वर्ब है और इसका इस्तेमाल अगेन हमने इसलिए किया क्योंकि हम जो सेंटेंस है वो है कंटिन्यूस टेंस में सेकेंड यूज है

वॉज हमारा टू बी वर्ब है एंड वॉज ओपन बाय मी तो टू बी वर्ब जो होते हैं वो पैसि वॉइस में भी इस्तेमाल किए जाते हैं आइए पढ़ते हैं टू हैव और टू डू ऑक्जरी वर्ब्स के बारे में सो so, अगला कैटेगरी ऑफ ऑक्जलरी वर्ब है टू हैव वर्ब्स टू हैव वर्ब्स में आते हैं वर्ड्स हैड तो आई हैव अ कार आई शी हैज अ कार एंड शी हैड अ कार लेकिन बिफोर वी लुक ऑन टू लुक इन टू दीज सेंटेंसेज इन डिटेल इतना जानना जरूरी है कि टू हैव ऑक्सिलरी वर्ब्स का मेन यूज जो होता है वो है वो जब भी हम सेंटेंसेस परफेक्ट टेंस में कंस्ट्रक्ट करते हैं फॉर्म करते हैं उसमें हमें हेल्प करते हैं टू हैव वर्ब्स सो आई हैव अ कार शी हैज अ कार एंड शी हैड अ कार मेरे पास अभी कार है उसके पास अभी कार है और मेरे पास और उसके पास एक कार थी सो बेसिकली स्टूडेंट्स आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है वेन इट कम्स टू टू हैव वर्ब्स जिस ये चीज याद रखे टू हैव 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 ऑक्सिलरी वर्ब्स वी लाइक हैज एंड हैड हैव और हैज जो है वो प्रेजेंट टेंस में यूज होता है और हैड जो है वो पास्ट टेंस में यूज होता है ठीक है तो पास्ट परफेक्ट में हैड यूज करते हैं और प्रेजेंट में हम हैव और हैज यूज़ करते हैं और एक चीज़ ध्यान में रखना जब भी हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात करते हैं तभी हम यूज करते हैं हैज़ जैसे कि शी हैज़ इट हैज़ ही हैज़ और जब भी हम दूसरे प्रोनाउंस के रिलेटेड बात करते हैं तभी हम यूज़ करते हैं हैव आई हैव यू हैव वी हैव दे हैव ओके जस्ट ये चीज़ ध्यान में रखना और ये चीज़ भी याद में रखना कि हैव हैज प्रेजेंट में यूज होता है हैड पास में यूज होता है हमारा थर्ड कैटेगरी ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब है टू डू वर्ब्स सो टू-डू वर्ब्स जो है उनमें आते हैं वर्ड्स डू डिड एंड डज़। तो ये टू डू वर्ब्स जो होते हैं टू डू ऑक्सिलरी वर्ब्स वो मोस्टली हेल्प करते हैं हमें नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करने में फॉर एग्जाम्पल शी डेन एक्सरसाइज सो so, यहाँ पे डजेंट जो है वो डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है शी एक्सरसाइज तो हमने नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म किया विद द हेल्प ऑफ डज और डज और डू जो है वो प्रेजेंट में इस्तेमाल किया जाता है और डिड जो है वो पास्ट में इस्तेमाल किया जाता है ही didn't एक्सरसाइज ये पास्ट में बोल रही हूँ ही डिड नॉट एक्सरसाइज इन द पास्ट अभी भी शायद नहीं करता बट पहले तो वो बिल्कुल भी नहीं किया उसने एक्सरसाइज थर्ड सेंटेंस को देखते हैं डशी एक्सरसाइज ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब हम क्वेश्चन आस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डज यशी एक्सरसाइज डू यू नो हिम यस आई डू इस सेंटेंस में हमारा टू डू ऑक्सिलरी क्या कर रहा है यह पहले क्वेश्चन पूछ रहा है और उसके बाद मैं बोलती हूँ यस आई डू फॉर एग्जाम्पल आप मुझे क्वेश्चन पूछते हैं डू यू नो हिम तो मैं बोलूंगी नहीं यस आई डू नो हिम मैं जिस बोलूंगी यस आई डू रेपिटेशन अवॉइड करने के लिए भी टू डू वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है तो अगर मैं बोलू यस आई डू तो डू पे इन अ वे एम्फोसिस है कि यस yes, मैं उसे जानती हूं लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस डू कम फॉर माय बर्थडे पार्टी तो यहाँ पे मैं डू का इस्तेमाल कर रही हूँ किसी को इनविटेशन देने के लिए किसी को इनवाइट करने के लिए यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है हमारे टू डू ऑक्सिलरी वर्ब डू का सो so, आई होप आपको ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स है ये सेंटेंस में एक कंप्लीट मीनिंग ऐड करते हैं व्हेन इट कम्स टू टेंसेस आल्सो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है हमें काफ़ी हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं बिकॉज एक सेंटेंस में ये एक कंप्लीट मीनिंग ऐड करते हैं हमें हमें पता लग जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ब्स कि हम प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं पास के बारे में बात कर रहे हैं या फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं आई होप गोलरी वर्ब्स का ये वीडियो लेक्चर काफी पसंद आया होगा सो so, आइए सीखते हैं इन्फिनेटिव के बारे में इन्फिनेटिव आर बेसिकली बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब्सिंग दीज आर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स राइट So, ये है इन्फिनेटिव लेकिन इंफिनेटिव जो होते हैं वो मोस्टली टू इस वर्ड के साथ यूज किए जाते हैं सो टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब सो अगर मुझे इंफिनेटिव बनाना है तो मैं कहूंगी टू प्ले टू रन या मैं कहूंगी टू सिंग तो जब भी इन्फिनेटिव जो बेस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स है वो विदाउट टू इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम कहते हैं बैर इंफिनेटिव जब भी वो टू के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं तभी हम उन्हें कहते हैं फुल तो यहां पे हमने सीखा फुल इंफिनेटिव और बैर इंफिनेटिव के बारे में बैर इन्फिनेटिव आर बेसिकली बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स लाइक प्ले रन सिंग डांस ऑल ऑफ दीज आर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स एंड दे आर when they are used without the to they are known as bare forms or bare infinitives but lekin normally jab bhi hum infinitives ka istemal karte hain unhe hum istemal karte hain to is word ke sath to to plus base form of the verb to play to run to sing और जब भी हम to के साथ base form of the verbs का इस्तेमाल करते हैं तभी हम उन्हें कहते हैं full infinitives and normally ये ही हम इस्तेमाल करते हैं तो इंफिनेटिव्स क्या क्या कर सकते हैं या इन्फिनेटिव ऐसे मैं फ्रेम करूंगी एक सेंटेंस में क्या क्या रोल परफॉर्म कर सकते हैं एंड आई यू टू नो दैट क्योंकि अगर आपको यह पता चल गया तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे इन्फिनेटिव को आइए देखते हैं वॉट ऑल इन्फिनेटिव कैन बी इन्फिनेटिव कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इज नॉट इजी तो यहाँ पे टू लर्न जो है इट इज इन दार्ट और इट इज इन द पोजिशन ऑफ द सब्जेक्ट इन अन्टेंस और ये बनता है हमारा इन्फिनेटिव लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जब भी इनफिनेटिव सब्जेक्ट पोजिशन में होते हैं वो थोड़ा इन अ वे फॉर्मल वे होता है सो so, अगर ये सेंटेंस मैं नॉर्मली कहना चाहूंगी तो मैं कहूंगी कि लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज नॉट इजी सो टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इज नॉट ईजी काफी फॉर्मल है ओके दिस वे वेन इनफिनिटिव इज

कॉम्प्लीमेंट वो चीज होती है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे तो माई ड्रीम इज टू ओपन अ कैफे वॉट इज माई ड्रीम यहां पे सब्जेक्ट है मेरा ड्रीम एंड सब्जेक्ट के बारे में हमें क्या कौन सा वर्ड इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें ज्यादा बता रहा है टू ओपन अ कैफे ये सारा जो पार्ट है वो पूरा इन्फिनेटिव है इंफिनेटिव वैसे तो टू ओपन है लेकिन ये पूरा पार्ट हमें सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है इसलिए वो बन जाता है हमारा सब्जेक्ट

ली इंफेनेटिव uh, जो है वो एडवर्ब भी हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल बी मा स्टडी टू लर्न बी मा स्टडी स्टडी हमारा एक्शन है यहाँ पे हमारा वर्ब है और हमारे वर्क के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें हमारा इन्फेनेटिव टू लर्न जब भी कोई भी वर्ड या फ्रेज वर्क वर्क के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें देता है वो बन जाता है हमारा एडवर्ब इसीलिए टू लर्न हमारा एडवर्ब बनता है बिकॉज इट गिविंग अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट आर वर्ब स्टडी एंड देयर फॉर इट इज दर्ब तो हमने देखा लेट रोक विक रिक हमने जाना कि इन्फिनेटिव बेसिकली बेस फॉर्म ऑफ दर्ड्स होते हैं लेकिन नॉर्मली इंफिनेटिव का हम जो प्रयोग है वो करते हैं टू इस वर्ड के साथ तो टू प्ले टू रन टू सिंग और जब भी हम उसे टू के साथ इस्तेमाल करते हैं हम उन्हें कहते हैं फुल इंफिनेटिव और इन्फिनेटिव जो है वो बन सकते हैं सब्जेक्ट ऑफ अटेंस ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन अटेंस एजिटिव एंड ऑल्सो एडवर्ब इन सेंटेंस तो ये है हमारे इन्फिनेटिव बेसिकली जिस इतना जानिए कि इनका जो प्रयोग होता है वो टू के साथ होता है सो दे आर नॉर्मली यूज एज फुल्ड इन्फिनेटिव कैन प्ले ऑल ऑफ दीज रोल्स इन अन्टेंस सो आई होप गा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और आपने काफी कुछ इन्फिनेटिव के बारे में सीखा होगा Until next time, happy learning.